हेलो स्टूडेंट क्लास सेकंड, आज हम करेंगे चैप्टर वन नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट वन इज टिक द बिगर नंबर्स। जो बिगर क्या होता है बेटा? बड़ा नंबर। जो बड़ी संख्या है उस पर आपको टिक लगाना है। आपको दो नंबर दिए गए हैं, इनमें आपको चूज़ करना है कि इसमें से बिगर नंबर कौन सा है और उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस 74, 21। 74 को हम कैसे राइट करते हैं? 74, 74, 21, 21, 21। सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब हमें बिगर नंबर सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसके टेंस प्लेस पे हम देखेंगे। टेंस प्लेस में यहाँ क्या दिया हुआ है? 7। और इस नंबर में क्या दिया हुआ है? 2। तो बच्चों आपको पता है कि 7 डिजिट 2 डिजिट से बड़ा होता है, तो हमारा बिगर नंबर कौन सा हुआ? 74। तो हम यहाँ पे 74 को नंबर पे टिक लगाएंगे। सेकंड 43, कैसे राइट करते हैं हम न्यूमेरल्स में? 43, 43। 95, 95, 95। इसमें भी हम ऐसे ही चेक करेंगे टेंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है। टेंस प्लेस में 4 और इधर टेंस प्लेस में 9, तो बिगर डिजिट कौन सा है? 9। तो इसमें बड़ा नंबर क्या हुआ? 95। तो हम 95 पर टिक लगाएंगे। अब हम करेंगे सम नंबर सेकंड, सर्कल द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर मतलब छोटा, छोटी संख्या। तो अब हमें छोटे नंबर पे सर्कल लगाना है। यहाँ हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इसे रीड करेंगे। 2, 7, 27, 1, 8, 18। तो जैसे हमने यहाँ पे वन टेंस को देखते हुए चेक किया है, ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है। यहाँ पे टेंस डिजिट में हमें क्या दिया हुआ है? 2। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है टेंस प्लेस पे 1। तो 2 वंस प्लेस जो होता है, वन डिजिट जो होता है वो 2 डिजिट से छोटा होता है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या हुआ? 18। तो हम यहाँ पे सर्कल करना है, सर्कल मतलब गोला। तो हमें यहाँ पे 18 को के ऊपर सर्कल लगाना है। बी नंबर 8, 8, 0, 80। बच्चों अब यहाँ पे आपको वंस प्लेस, यहाँ पे 8 सिंगल डिजिट दिया हुआ है और यहाँ 2 डिजिट। आपको पता है कि सिंगल डिजिट 2 डिजिट से ऑलवेज छोटे ही होते हैं, तो यहाँ पे हमें 8 जो है हमारा छोटा नंबर है, अब इसे हमें सर्कल करना है। सी 36, 36, 39, 39। अब टेंस प्लेस पे दोनों डिजिट हमारे सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी, तो हम वंस प्लेस को चेक करेंगे। वंस प्लेस में यहाँ दिया हुआ है 6 और यहाँ दिया है 9, तो 6 9 से स्मॉलर होता है, तो यहाँ पे हम 36 को सर्कल करेंगे। सम नंबर 3, सर्कल द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। हमने सबसे बड़े नंबर को यहाँ सर्कल करना है एंड पुट अ क्रॉस ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटा नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है उस पर हमें क्रॉस लगाना है और जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर हमें सर्कल लगाना है। तो यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, ए पार्ट 7, 14, 23। अब आपको पता है कि 7 एक सिंगल डिजिट है, तो ये हमारा छोटा नंबर हुआ, तो इस पर हम क्या लगाएंगे? हमें स्मॉलर नंबर पे क्या लगाना है? क्रॉस का साइन लगाना है, तो हम स्मॉलर नंबर 7 पे क्रॉस लगाएंगे। 1, 4, 14, 23। अब हमें इन दोनों नंबर में चेक करना है कि हमारा बिगर नंबर कौन सा है। 1, 4, 14, यहाँ पे वन टेंस प्लेस पे 1 दिया हुआ है डिजिट और यहाँ पे 2, तो 2 1 से बड़े हैं, बड़ा डिजिट है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या हुआ? 23। तो बिगेस्ट डिजिट पे, बिगेस्ट नंबर पे हमें क्या लगाना है? सर्कल, तो हमारा बिगेस्ट नंबर हुआ 23। बी पार्ट 58, 85, 48। तो हम इसमें बिगर नंबर देखना है, टेंस प्लेस पे यहाँ 5 है, 8 या 4,
तो सबसे बड़ा डिजिट क्या हुआ, 8, तो हमारा बिगेस्ट नंबर क्या होगा, 85, और बड़े नंबर पे हमें क्या लगाना है, सर्कल। अब स्मॉलेस्ट डिजिट देखना है हमें, तो जो हमारे दो बचे हुए दोनों नंबर हैं इनको चेक करेंगे, 58, इसमें टेंस प्लेस पे 5, इसमें टेंस प्लेस पे 4, तो हमारा छोटा नंबर क्या हुआ, यहाँ पे 4, छोटा, ये 5 से छोटा डिजिट है, तो हमारा ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, क्रॉस का साइन। सी 31 37 34, बच्चों ये देखो हमारे टेंस प्लेस के तीनों डिजिट सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या देखना होता है, वंस प्लेस। वंस प्लेस में सबसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 या 7 या 4, तो सबसे बड़ा नंबर डिजिट कौन सा है इसमें, वंस प्लेस पे 7, तो हमारा बिगेस्ट नंबर क्या हुआ, 37, तो इस पर हम क्या करेंगे, सर्कल। और वन, इसमें वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 1, और इसमें 4, तो सबसे छोटा डिजिट हमारा क्या है, 1, तो अब इस पर हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। अब बच्चों ये 1.3 अब आपको अच्छे से समझनी है, और वो पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 पैटर्न्स के फर्स्ट टू 5 सम मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए थे, और 6 टू 10 आपको होमवर्क में दिए थे, ये उनके आंसर्स मैंने फिल कर दिए हैं, इन्हें अच्छे से समझना है आपको। बच्चों ये 1.1 से लेकर 1.3 जो मैंने आपको एक्सरसाइज समझाई हैं उससे रिलेटेड ये मैंने होमवर्क तैयार किया है, ये अब आपको अच्छे से करना है अपने पेरेंट्स की हेल्प से, और कल आपको इसकी वीडियो आंसर की दी जाएगी, और थैंक यू।